नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहजादपुर के SMO डॉक्टर तरुण प्रसाद ने डेंगू की बढ़ती बीमारी से बचने के लिए बताया कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आपको बुखार है तो समय पर डॉक्टर से जांच करवाएं। डॉक्टर तरुण प्रसाद ने बताया कि अब तक शहजादपुर क्षेत्र में डेंगू के 60 केस सामने आए थे, जो अब पूरी तरह से ठीक हैं। अब शहजादपुर में एक भी डेंगू का मरीज नहीं है। डॉक्टर तरुण प्रसाद ने कहा कि कोरोना नियमों को भी ना भूलें, मास्क का प्रयोग करें और कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। शहजादपुर से हमारे संवाददाता शुभम मुलाना की रिपोर्ट। और ये फॉगिंग का कार्य अभी चल रहा है, सभी गाँव में फॉगिंग की जाएगी। अब तक शहजादपुर क्षेत्र में कितने डेंगू मरीज मिले हैं? शहजादपुर क्षेत्र में हमारे पास करीब 60 के आसपास केस निकले थे, जो कि सभी ठीक है और डेंगू से कोई डेथ नहीं हुई है। अब डेंगू केस लगभग ख़त्म के बराबर है, कोई एक आधा केस निकल आता है, जिसकी कि हम पूरी अपनी जो है ट्रीटमेंट वगैरह उसकी केयर सारा कुछ ठीक ढंग से कर रहे हैं। तक पेशेंट के घर जाके, गांव में जाके, लोगों के घर जाके उनको यही कहते हैं कि जो भी पानी आपके फ्रिज में या किसी भी बर्तन में खुला पड़ा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ पानी में ही जो है डेंगू का जो है लार्वा पैदा होता है। इसलिए कूलर का पानी और जो भी पानी है उसको हफ्ते होदी का पानी एक हफ्ते से पहले उसको चेंज कर दिया जाए, ताकि जब लार्वा है उसके ख़त्म हो जाए। और अपने घरों में जो है ये जो जाली के दरवाजे खिड़कियां ज़रूर लगवाओ, और साथ ही ये जो आर आउट वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करो, ताकि जो है आप डेंगू से बचे रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।